बार मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, तब जाकर हम लोग यहाँ आए। अच्छा बाबा, अब मुझ पे डांटती रहोगी या फिर प्यार से बातें भी करूंगी? हाँ बाबा। अच्छा मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं एक बोतल पानी की लेके आऊँ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ। तुम यहाँ रुको, मैं जाके लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ ना, बस 2 मिनट, ठीक है? ओके। लेकिन तुम यहाँ से एक कदम भी हिलोगे नहीं जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, ठीक है? ओके मैडम, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाती। थैंक यू, बाय। सॉरी, मुझे पता है कि मुझे आपसे इस तरह यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे आपको बताना ही होगा। क्या बताना होगा मैडम? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। देखिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपने मुझे जो काम करने को कहा था वो मैंने कर दिया, पर आपको पता है उससे कितना बुरा होगा? बहुत सारे लोगों की जान जाएगी उससे। लोग मर जाएंगे? ये क्या बोल रही हैं आप, और ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? देखिए, मेरे पास समय नहीं है। वो मेरे पीछे पड़े हैं। आप मेरी बात समझिए प्लीज। मेरी तो समझ के बाहर है। मैं कुछ, कौन है ये? पता नहीं कौन है, मैं तो जानता भी नहीं। विनय को कैसे जानती हो तुम? विनय? कौन विनय? डोंट एक्ट स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, ओके? ये विनय जिसे तुम इतने प्यार से बात कर रही हो, बताओ कैसे जानती हो? देखिए, कोई गलत फहमी हो गई है, मैं इन्हें नहीं जानती। अरे अजीब औरत है। आगे तो रास्ता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? सुनिए प्लीज। हाँ? क्या हुआ? प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मार डालेगा। हाँ? मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ये प्लीज CID तक पहुंचा दीजिए। क्या हुआ? चाकू के घाव जैसा लगता है। ये घाव तो एक दो दिन पुराना दिख रहा है सर। हाँ, ऐसी जख्मी हालत में ये लड़की यहाँ करने क्या आई होगी? पूर्वी, पलटो जरा इसे। सर गोली लगी। गोली लगी? इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसने गोली कैसे चलाई? वही तो, गोली चली तो फिर किसी ने तो सुना होगा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। क्या आप लोगों ने यहाँ पर कुछ देखा? सर वो लड़की कुछ तो कहना चाह रही थी सर। ऐसा लग रहा था सर कि जैसे वो किसी से डरकर भाग रही थी और अचानक ही गिर गई सर। क्या क्या कहना चाहती थी? सर वो कह रहे थे कि उसकी जान को खतरा है किसी से, और सर एक एनवेलप देना चाह रही थी मुझे। ये प्लीज CID तक पहुंचा दीजिए। कहाँ है वो एनवेलप? सर वो तो उसके हाथ से गिर गया और पानी में चला गया सर। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी क्या?
नहीं सर, गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, किसी को देखा नहीं, तो फिर गोली किसने चलाई? दया, अभिजीत, वो लड़की यहाँ से तो आ नहीं सकती, आई होगी तो उसी तरफ से, जाके देखो जरा, पूछताछ करो। सर, अभिजीत सर, प्लीज आपके साथ एक सेल्फी हो जाए, वन फोटो। देखिए देखिए, फोटो वगैरह, ऑटोग्राफ वगैरह हम बाद में देंगे, वो आपने देखा होगा वहाँ एक लड़की का खून हो गया है, तो आप लोगों ने कुछ देखा हो, कुछ जानती हो तो प्लीज हमें बताइए। यस सर, सर इस लड़की को हमने थोड़ी देर पहले एक लड़के और एक लड़की से बात करते देखा था। हाँ सर, और उनकी बात से ना ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। कौन हो सकता है वो? अच्छा, और किसी ने कुछ देखा भाई? हाँ सर, हाँ मुझे लगता है कि मैंने उन्हें देखा है। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम संजय है, मैं रोज यहाँ पर टहलने के लिए आता। सर मैंने इस लड़की को उन दोनों से बात करते हुए देखा था, फिर वो दोनों चले गए। ये गाड़ी से थे या? सॉरी सर, मैं ये तो नहीं देख पाया था। ये तो देखा होगा आपने कि वो किस तरफ गए थे? सर मैं देख नहीं पाया। अच्छा, आप लोगों ने तो उन्हें ध्यान से देखा होगा ना, कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहने थे, कुछ याद है आपको? हाँ सर देखा है जी। ठीक है, उनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। नरीमन पॉइंट पे आज दिन दहाड़े किसी ने एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। सीआईडी इस हत्या की जांच कर रही है और उन्हें इस केस से जुड़े दो लोगों की तलाश है। मरने वाली लड़की के बारे में सीआईडी पता कर रही है। ये हत्या नरीमन पॉइंट पे उस वक्त की गई जब वहाँ पर हजारों की संख्या में, आजकल जब भी टीवी खोलो टीवी पे मर्डर, हत्या, लूट, ये सब खबरें दिखाई जाती हैं। खोलो ला रिमोट ला। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करने के बाद सीआईडी को दो लोगों पर शक है। सीआईडी ने इन दो लोगों का स्केच जारी किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो पहला स्केच दिखाया जा रहा है वो उसी लड़की का है। बताया जा रहा है कि ये लड़की उस वक्त नरीमन पॉइंट पर ही मौजूद थी और मरने वाली लड़की के खून के बारे में इसे कुछ पता है। पापा, ये तो रिया दीदी है। रिया, ये सब क्या है? अब ये किसके खून की बात हो रही है? पापा। और ये दूसरा स्केच उस लड़के का है जो इस लड़की के साथ घटनास्थल पर ही उसके साथ मौजूद था। देखने वालों ने बताया है कि जिस लड़की का खून हुआ है वो लड़की मरने से पहले इन दोनों से बात कर रही थी। कौन है ये? अब तो इसके साथ नरीमन पॉइंट क्या करने गई थी? पापा, मैं अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसके बाद मैं विनय के साथ नरीमन पॉइंट घूमने चली गई। विनय? कौन विनय? वही लड़का जिसका स्केच मेरे साथ दिखाया है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है पापा, और कुछ नहीं। दोस्त है या दुश्मन, लेकिन बेटा तू इन सब चक्करों में कहां फंस गई? तूने किसका खून किया है? नहीं पापा, मैंने किसी का खून नहीं किया। पापा, किसी का खून नहीं किया। अरे तूने खून नहीं किया तो सीआईडी वाले तेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और टीवी पे तेरा स्केच दिखाया जा रहा है ना, लोग तो तुझे ही खूनी समझेंगे ना। ये विनय ने मुझे कहां फंसा दिया? मैं और विनय सिर्फ नरीमल पॉइंट में घूमने गए थे। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, वो विनय को जानती थी क्योंकि वो विनय से बात कर रही थी सर। विनय के साथ तुम नरीमन पॉइंट गई थी, फिर तुमने देखा कि वो लड़की विनय के साथ बात कर रही थी, और तुम कह रही हो कि विनय उस लड़की को जानता है। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि जब मैंने विनय से पूछा कि वो उस लड़की से क्या बात कर रहा था तो उसने मेरी बात टाल दी। उसने कहा कि वो उस लड़की को नहीं जानता है। उस लड़की को जब गोली लगी उस वक्त तुम दोनों कहाँ पर थे? सर, वो लड़की हमसे दूर चली गई थी। जब हम लोगों ने लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, हम लोगों ने जाकर देखा, वो लड़की मरी पड़ी थी। उसने कहा कि अगर हम लोग वहां रुकेंगे तो फंस जाएंगे। जरूर ये विनय उस लड़की को जानता था। ये एक काम करो,
फोन लगाओ उसको, पता करो कहाँ पर है, उसको कहीं पे मिलने के लिए बुलाओ, ये मत बोलना कि सीआईडी ब्यूरो में, तो ठीक है? ठीक है। नहीं उठा रहा। उठाएगा कहां से, भागने की तैयारी में होगा। किसका फोन आ रहा है, अननोन नंबर, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? हेलो, हेलो विनय। हाँ, कौन बोल रहा है? देखिए, आपके भाई का कालबा देवी में एक्सीडेंट हुआ है। क्या भैया का एक्सीडेंट? मैं अभी कालबा देवी में ही हूँ। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? गली नंबर 3। आप एक काम कीजिएगा, आप वहीं रुकेगा, मैं अभी आ रहा हूँ। 3 नंबर गली तो यही है। हेलो हेलो, मैं यहाँ 3 नंबर गली में खड़ा हूँ, आप लोग कहाँ हैं? देखिए, हम लोग आपके भाई को अभी एम्बुलेंस में लेकर ही जाने वाले हैं। वैसे आप इस वक्त कहाँ पर हो? मैं ये महेश पापड़ की दुकान के बाहर खड़ा हूँ, कहाँ है मुझे? देखिए, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप पहले लेफ्ट में मुड़ जाइएगा, फिर आपको वहाँ मदन स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान दिखाई देगी। मदन स्वीट्स कहाँ पे? ए भाई, वो मदन भाई, उसके पास से ना बिल्कुल मिठाई मत लेना, इतनी बेकार और इतनी खराब मिठाई बनाता है ना। एक काम करना है, उधर है ना जिग्नेश मिठाई वाले की दुकान है, जिग्नेश भाई उसी से लेना, एकदम सुपर गो टेस्टी मिठाई बनाता है। देखिए, मुझे यहाँ कोई मिठाई नहीं खरीदनी है, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि मदन हलवाई की दुकान कहाँ है। तो पहले बोलने का ना, इतना टाइम खोटी किया। एक काम करो, इधर आओ। ओ उधर है ना, सीधा जाओगे ना तो मदन भाई की दुकान, और इधर से सीधा जाओगे ना तो जिग्नेश भाई की दुकान आएगी। जाओ। ए भाई, इधर आना। ए, तुम्हारे को पहले मैंने किधर देखा है, किधर बताओ मुझे? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ए भाई, क्या हुआ आरती बहन? अरे, ये तो इसका फोटो तो मैंने टीवी पे देखा था। आई विल टेल देयर सीआईडी। कहाँ है भैया? तुम्हारा ही नाम विनय है? हाँ। जल्दी चलो, तुम्हारे भैया बहुत देर से तुम्हें बुला रहे हैं। भैया, ये क्या हो गया भैया? हमारे पास टाइम बहुत कम है, वैसे भी हमें यहां पहुंचने में बहुत देर होगी। सर, जिस लेडी का फोन आया था वो यहाँ की लोकल ही है सर, यही आसपास रहती है, उसे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी जरा फोन लगा, पता करो कहाँ है वो।
ना, मैंने ही फोन किया था। कहाँ विनय कहाँ? फोन में लेके घूमती हो क्या? हैं? इतना टाइम लगाओगे तो चला ही जाएगा ना, हैं? भाग गया। भाग गया? अबे टेंशन नहीं लेने का। उधर है ना एम्बुलेंस खड़ी थी, उधर है ना एकदम सुंदर सुपर नर्स खड़ी थी, उसके साथ ऐसे गुटर को गुटर को गुटर को किया और उसके साथ है ना एम्बुलेंस में बैठ के भाग गया। ठीक है, इस एम्बुलेंस के बारे में पता करते हैं, या आसपास लोगों से पूछो, शायद किसी ने नंबर देखा। एले, सबसे क्या पूछने का, मैंने सब कुछ तो बता दिया तुम लोगों को। ये देखो इसमें है ना नंबर, देखो 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 देखो। पंकज, एम्बुलेंस का नंबर इसे ट्रेस करो, पता करो एम्बुलेंस इस वक्त कहाँ है, तब तक इस विनय के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं। मजा आ रहा है ना? आप लोग कौन है? मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों? सही कहा तुमने, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है हमारा, बस हमारी एक चीज है तुम्हारे पास, वो दे दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कौन सी चीज? पैकेट। कहाँ है वो? कौन सा पैकेट? देखिए मैं किसी पैकेट वैकेट के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं मुझे चुप, एकदम चुप। मैं जानता हूँ वो पैकेट उस दिन उस लड़की ने तेरी कार में रखा था। कहाँ है? बोल। कौन सी लड़की? वही लड़की जो तुम्हें नरीमन पॉइंट पर मिली थी और तुमने उससे कुछ बात भी की थी ना, बोलो। देखो हमें पता है तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो उसी चीज के पीछे हम भी हैं। कौन सी चीज? सोना, गोल्ड, गोल्ड। देख लिया क्या किया तुम्हारे भाई ने? मैं तुमसे कहती थी उसे सर पे मत चढ़ाओ, मत दो इतनी छूट। कहाँ आता है कहाँ जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। अब भुगतो भुगतो। अरे अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? कौन है? हम लोग CID से हैं और आप जानते हैं हम यहाँ पे क्यों आए। देखिए आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आपके भाई ने ऐसा कुछ काम किया है या नहीं वो हम पता कर लेंगे, फिलहाल उसके कमरे की तलाशी लेनी है। तलाशी? ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे आप? ना कोई वारंट ना कोई ऑर्डर। शायद आप मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम लक्ष्य है और इस शहर में मेरी एक रेपुटेशन है। आप ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते, मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी। मिस्टर लक्ष्य, मैं जानता हूं कि आप इस शहर के बड़े और पावरफुल आदमी हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने सीनियर का नाम सुनकर डर जाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको जिसको फोन करना है फोन कीजिए। विनय का कमरा कहां है जरा बताएंगे? वो वहां पर, वहां से पहला लेफ्ट। जिस सोने को हम लोग लूटना चाहते हैं उसे तू अकेला ही हड़पना चाहता है? देखिए आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई, मैं किसी सोने वोने के बारे में नहीं। एकदम चुप, झूठ मत बोल। पता पता कहाँ है वो पैकेट? बोल 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 बोल। हाँ 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 बोल बोल। कार तो मेरी कालबा देवी में खड़ी। कालबा देवी? Thank you.
विनय, रिया और साथ में संजना भी है। वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, मुझे कुछ नहीं पता सर। तीनों एक साथ एक फोटो में, एक दूसरे को जानते थे। रिया बोल रही थी कि संजना को जानती नहीं है। रिया से दोबारा मिलना पड़ेगा। ये पैकेट किसका है, मेरे बैग में कैसे आया? इसमें तो कुछ लिखा है। अच्छा तो ये बात है, तुम हो इन सब के पीछे। करोड़ों का मामला है। हेलो, कौन? जिस पैकेट की तुम्हें तलाश है वो पैकेट इस वक्त मेरे पास है। रिया तुम? और ये पैकेट तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो पैकेट मेरे पास कैसे पहुंचा? ये तुम्हारा सवाल नहीं होना चाहिए। ये पैकेट तुम तक कैसे पहुंचेगा, इस पर बात करो। ओ, क्या चाहिए तुम्हें? बस 50 लाख रुपए। और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये पैकेट मैं सीधा सीआईडी के पास लेकर जाऊं। देखो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पैकेट किसी को मत देना। लेकिन वो पैकेट घर में छुपा के रखा होगा, ढूंढो उसे कहीं भी। अरे वो भाग रही है। ए, चल भाग, पकड़ उसे। सर, हम लोग थोड़ी देर से घर से बाहर गए बैठे, जब वो आपसे आए तो घर की हालत ऐसी थी और रिया भी घर से गायब है। अपने रिया को फोन करके पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? कोशिश की थी लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। सर, हाँ? सर, सर, ये इनके पड़ोसी हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ देर पहले इन्होंने एक गाड़ी देखी थी जिसमें से 3 लोग उतरे थे और इस घर की तरफ आए। अच्छा, हेलो, गाड़ी का नंबर देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे? ओके, या थैंक यू। वो एम्बुलेंस रोया लेन में देखी गई है, एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में। तुम वैन के पीछे जाओ, मैं रिया को देखता हूँ, उसकी जान खतरे में है।
आसपास देखते हैं, एम्बुलेंस यहीं कहीं होनी चाहिए। सर, सर लगता है यहाँ से भी निकल गए। ये कौन सी गाड़ी है? यहाँ पे स्टिकर चिपका के बाद में निकाल दिया गया है। सर, वैन का नंबर भी अलग है सर, ये देखिए नंबर भी अलग है। इसका मतलब है जैसे इस गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस का स्टिकर लगाकर, ऊपर पत्ती लगाकर इसे एम्बुलेंस बना दिया गया था, वैसे किसी ने शायद ये नकली नंबर प्लेट लगा दिया होगा और यहाँ पे पार्क करने के बाद सारे निशान मिटा दिए गए। सर, जो लोग इस गाड़ी में बैठे होंगे वो यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। हाँ, होने तो चाहिए आसपास ही, पर फिलहाल ये होटल दिख रहा है। अंदर चल के पूछते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा। पूर्वी, अभिजीत को फोन करो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, ये आपके होटल के बाहर जो सफेद वैन खड़ी है, ये आपके होटल की है? नहीं नहीं सर, ये होटल की नहीं है, हमारे यहाँ गेस्ट ठहरी हुई है, उनकी है। किस कमरे में ठहरी हो? सर, रूम नंबर 101। अभी है कमरे में? एक मिनट सर, चाबी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब रूम में ही होगी। कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो होगी आपके पास? हाँ सर, चाबी तो है। ला देंगे। आ रहा, रूम नंबर 101। सर, ये तो विनय है। सर, 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 कुछ लोग एक पैकेट के पीछे पड़े हैं सर। क्या उस पैकेट में? उनका कहना था कि वो लड़की जो नरीमन पॉइंट पे मर गई, उसने मरने से पहले मेरी गाड़ी में वो पैकेट रखी। पैकेट तुम्हारी गाड़ी में था? सर, सर पैकेट था। पैकेट कहाँ है? पैसे लायो। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पहले वो पैकेट मुझे दो। पहले पैसे फिर पैकेट। मेरा पैकेट कहाँ है? पैसे मिल गए ना, तो पैकेट भी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। ए रुक, आज तक मुझसे कोई एक रुपया भी नहीं हट पाया, और तुझे क्या लगा तू 50 लाख रुपया लेकर भाग जाएगी? अब तू नहीं बचेगी। क्या हो रहा है? रुक जाओ।
इधर। मुझसे गलती हो गई सर, पैसे देखकर मैं अंधी हो गई थी। जब मुझे पता लगा कि मेरे पास पैकेट है तो मैंने लक्ष्य को ब्लैकमेल किया। लक्ष्य पैसे वाला है तो मुझे लगा कि मौके का फायदा उठाकर मैं भी कुछ पैसे बना लूंगी। मैंने ही संजना को राघव और मीरा के गैंग पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। जब भी उससे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती वो मेरी कार में डाल दिया करती थी। उसने कभी मुझे देखा नहीं। वही पर गलती हो गई। लेकिन उस लड़की ने वो पैकेट तुम्हारी गाड़ी में क्यों रखा? बिल्कुल नहीं जानता, वो तो गाड़ी भी मेरी नहीं है। तो रिया को घुमाने के बहाने मैं भैया की गाड़ी ले गया और जाते जाते भैया की जैकेट पहन ली। जब विनय तुम्हारी कार और जैकेट लेकर नरीमन पॉइंट पहुंच गया तो संजना ने देख लिया। उसे लगा कि गाड़ी में तुम बैठे हो, लक्ष्य तुम। इसलिए उसने तुम्हें समझकर विनय से बातें की और वो पैकेट गाड़ी में डाल दिया। और ये सोना लूटने की क्या प्लानिंग थी? हम लोग सोने से भरा एक ट्रक लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो ट्रक एक खास चाबी से ही खुलता था और वो चाबी संजना ने हमारे पास से चुरा ली थी और वो चाबी चुरा कर वो इसे देने वाली थी। वैसे तो सोना लूटने का लक्ष्य का भी प्लान था, अगर चाबी मिल जाती तो सोना लूट ही लेता, क्यों लक्ष्य? पर गलती ये हुई कि चाबी गई दिया के पास। मगर एक बात तो पक्की है कि लक्ष्य ने संजना का खून नहीं किया है ना रीना? मुझे लक्ष्य का प्लान पता चल चुका था और मैं ये भी जानती थी कि संजना वो पैकेट इसे देने वाली है। मुझे किसी भी तरह संजना को रोकना था क्योंकि क्योंकि अगर ये सोना चुरा लेता तो अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग जाता। इसलिए मुझे संजना को इसके हाथों मरवाना पड़ा, लेकिन वो पैकेट मुझे फिर नहीं मिला। मैं वो सोना तो चुरा नहीं चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहती थी कि उस चोरी का पूरा इल्जाम इस पर आए। सोने और रुपयों की लालच में तुम लोगों ने एक लड़की की जान ले ली, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब सड़ते बैठना जेल की सलाखों के पीछे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।